यस हेलो एवरी वन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू ऑफ मशीन आर रेट इट इज़ रिगार्डिंग मेनली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर्ट विद फॉर विच द मशीन इज टू बी एम्प्लॉयड बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि हमने मशीन आर्ट्स को कैसे कैलकुलेट करना क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पर हमें मशीन आर्ट्स गिवन होते थे हर एक मशीन के the question is again of your book problem number 27 following information is made available from the costing records of a factory original cost of the machine is 1 lakh estimated life 10 years residual value is 5000 factory operates for 48 hours per week 52 weeks in a year total years may total 1 year may 52 weeks hain. जिसमें फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ फोर्टी एट वीक्स आर्स ही पर वीक ऑपरेट करती है अलाउ फिफ्टीन परसेंट वर्ड्स मशीन मेंटेनेंस डाउन टाइम फाइव परसेंट मे बी अलाउड एज सेटिंग अप टाइम अब यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि फिफ्टीन परसेंट टाइम मशीन के मेंटेनेंस में जाता है और फाइव परसेंट टाइम उसके सेटिंग अप में जाता है Electricity used by the machine is 10 units per hour at a cost of 50 paise per unit. Repairs and maintenance cost is 500 per month. Two operators attend the machine during operation along with two other machines. Their total wages including fringe benefits amount to rupees 5000 per month. Other overheads attributable to the machine are 10,431 per year. Using the above data, calculate comprehensive machine hour rate. नाउ अगेन द फॉर्मेट इज सेम अब यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट कैलकुलेट करना है वो है मशीन आर का क्यों क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया कि फाइव परसेंट हमने सेटअप टाइम लगाया है और फिफ्टीन परसेंट मशीन की मेंटेनेंस में टाइम जा रहा है दैट मीन्स मशीन जितने भी घंटे उसकी जो लाइफ है उसमें से कुछ ना कुछ टाइम उसका वेस्ट जा रहा है अब जब वो उस टाइम पर काम ही नहीं करेगी ऑब्वियस है उस घंटे का खर्चा हम नहीं निकाल सकते तो उसके लिए हमें एक्चुअल वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन कैलकुलेट करने पड़ेंगे नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट पार्ट हमें टोटल बताया गया है कि हम ईयर में फिफ्टी टू वीक्स ही काम कर रहे हैं फिफ्टी टू वीक्स इन अ ईयर और उन हर एक हफ्ते में जो मशीन काम करती है जो फैक्ट्री काम करती है वो सिर्फ फोर्टी एट आवर्स काम करती है मीन्स एक साल में फ़िफ्टी टू वीक्स और उन फिफ्टी टू वीक्स में हर एक हफ़्ते फोर्टी एट आवर्स ही काम होता है तो यहाँ से हम टोटल ईयर्स या टोटल आवर्स निकालेंगे कितना वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं फिफ्टी टू वीक्स साल के एक हफ्ते में फोर्टी एट आवर्स तो टोटल तो एक साल में वो टू फोर नाइन सिक्स आवर्स काम करती है फैक्ट्री अब हमें बताया है कि उस फैक्ट्री में जो मशीन इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर फिफ्टीन परसेंट टाइम मेंटेनेंस का जा रहा है तो अब हमें यहाँ पर एक फिफ्टीन परसेंट टाइम निकाल देना है टू फोर नाइन सिक्स का जो आ जाएगा थ्री सेवन फाइव उसको सब कर देंगे क्योंकि जब मशीन के ऊपर मेंटेनेंस होती है तब वो प्रोडक्शन तो नहीं करती अगर वो प्रोडक्शन नहीं कर रही दैट मीन्स वो उस टाइम पर हमारे खर्चे को भी नहीं कर रही इस वजह से हम उसको माइनस कर देंगे अब आ गया टू वन टू वन देन नेक्स्ट नेक्स्ट हमें बोला है कि फाइव परसेंट मशीन का सेटअप में जा रहा था अब सेटअप करना जरूरी है क्योंकि सेटअप करे बिना हमारी मशीन तो काम कर ही नहीं सकती कोई ना कोई उसमें कोई पार्ट सेटअप करना पड़ता है कई बार कोई और मॉर्निंग में आकर उसको हीटअप करना पड़ता है सो देर इज़ अ मिनिमम टाइम जो एक मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए अब ये हो गया आपका वन ज़ीरो सिक्स किसका निकाला टू वन टू वन का तो टोटल जो मशीन किस घंटे काम कर रही है टू ज़ीरो वन फाइव तो इसको अब जो टाइम आपका ये वाला है इसको प्रोडक्टिव आर्स बोला जाता है क्यों प्रोडक्टिव आर्स क्योंकि मेंटेनेंस भी मशीन की मेन वर्किंग का पार्ट रहती है अब इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा खर्चा टिल प्रोडक्टिव स्टेज तक आया है कौन सा खर्चा इसको माइनस करने के बाद आया यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बट बेसिकली सबसे पहले आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए कि मशीन के पास टोटल टू फोर नाइन सिक्स आर्स थे उसमें से फिफ्टीन परसेंट और फाइव परसेंट उसने काम किया ही नहीं तो एक्चुअल में उसने काम कितना किया है टू ज़ीरो वन फाइव ओके अब हमारे पास मशीन आर रेट को निकालने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़ करें सबसे पहले हमें फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन तो यहाँ से हमें हमेशा पता है कि हमारा डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा सो so, डेप्रिसिएशन कैसे आएगा कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय द वर्किंग आर्ट्स कॉस्ट हमें दी हुई है रेजिडुअल वैल्यू मींस स्क्रैप वैल्यू भी दी गई है लाइफ भी बताई गई थी टेन ईयर्स तो हमने एक साल का खर्चा निकाल लिया उसको फिर से आर्स से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा एक घंटे का खर्चा आ जाए आर्स हमने अभी निकाले हैं हमारे कितने हैं टू ज़ीरो वन फाइव तो टू जीरो वन फाइव से उसको डिवाइड कर दिया यहाँ से आपका जो टोटल खर्चा आया है डेप्रिसिएशन का नॉर्मल नेक्स्ट हमें बताया है इलेक्ट्रिसिटी मशीन ने यूज़ की है एक घंटे में वो दस यूनिट यूज़ कर रही है और एक यूनिट का चार्ज कितना है फिफ्टी पैसे तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एक घंटे में वो दस यूनिट यूज़ करती है और एक यूनिट का रेट कितना है फिफ्टी पैसे तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया अब इसको हमने वर्किंग आवर से डिवाइड क्यों नहीं किया विद जस्ट वन रीज़न कि ऑलरेडी ये एक घंटे की ही इन्फॉर्मेशन गिवन है अगर ये हमें उसके पूरे साल की या पूरे लाइफ की इंफॉर्मेशन दी होती तब हम उसको उसके आर्स के साथ डिवाइड करते नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 500 पर मंथ अब पर मंथ है हमारे पास इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ सो दैट ईयरली प्लान आ जाए सो इटवेल्व भी 500 हंड्रेड इंटू टरली आ गया हमारे पास एक साल की खर्चे को डिवाइड किससे करेंगे एक साल के वर्किंग आर्स के साथ तो वर्किंग आर्स कितने हैं टू जीरो वन फाइव वो आ जाएगा आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नेक्स्ट टू ऑपरेटर्स अटेंड द मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन अलोंग विद टू अदर मशीन्स दो ऑपरेटर हैं वो इस मशीन को अटेंड करते हैं और इस मशीन के अलावा वो दो और मशीन्स को हैंडल करते हैं मींस इन टोटल दो ऑपरेटर थ्री मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं उनकी जो टोटल वेजेस हैं जिनमें उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं वो है फाइव थाउजेंड पर मंथ अब इसको आपने एलोकेट करना है टू दिस मशीन आपको ध्यान में रखना है पहली बात ये दो वर्कर हैं सेकेंडली ये इस मशीन के अलावा दो और मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं मीन्स इन टोटल वो थ्री मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं और थ्री मशीन्स को हैंडल करने के लिए उनको फाइव थाउजेंड पर मंथ सैलरी दी जा रही है अब जो ये सैलरी आपको फाइव थाउजेंड पर मंथ दी है ये इंडिविजुअली मैंशन नहीं की गई नथिंग इज़ मैंशन की ये परसन पर है अगर पर पर्सन मेंशन नहीं किया गया मतलब ये दो ऑपरेटर्स की इकट्ठी सैलरी है फाइव थाउजेंड सो दो ऑपरेटर जो थ्री मशीन्स को चला रहे हैं उनकी फाइव थाउजेंड पर मंथ सैलरी है तीन मशीन्स को चलाने की अब इसको कैसे एलोकेट करना है सबसे पहले हमारे पास खर्चा कितना है फाइव थाउजेंड पर मंथ है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ट्वेल्व के साथ सो so दैट वो ईयरली बेसिस में कन्वर्ट हो जाए अब इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये तीन मशीन का खर्चा हमें एक मशीन का खर्चा चाहिए क्योंकि मशीन आर रेट एक मशीन के एक घंटे के खर्चे को कैलकुलेट करती है ये थ्री मशीन्स का टोटल है इसको डिवाइड करेंगे थ्री के साथ तो एक मशीन का खर्चा आ जाएगा इसको फिर से डिवाइड करेंगे टू ज़ीरो वन फाइव के साथ सो so दैट एक घंटे का खर्चा आ जाए मीन्स पहले हमने पर मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया उस ईयरली से एक मशीन के खर्चे को निकालने के लिए थ्री से डिवाइड किया क्योंकि ये टोटल थ्री मशीन्स का खर्चा था एक का खर्चा नहीं था उसको डिवाइड किया वर्किंग आवर से ताकि एक घंटे का रेट आ जाए देन नेक्स्ट हमें बताया है अदर ओवरहेड्स जो एट्रीब्यूटेबल है मशीन के ऊपर वो है टेन थाउजेंड फोर थर्टी वन पर ईयर एक साल के जो खर्चे हैं वो इतने हैं अब आपको मशीन आर रेट निकालना है डायरेक्टली आप क्या करोगे टोटल खर्चे को ईयर्स आर्स के साथ डिवाइड किया तो आपके पास एक घंटे का रेट आ गया अब इन सभी को डिवाइड किया वी गेट द टोटल मशीन आर रेट सो द ओनली कैलकुलेशन वॉज विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट सो डू सॉल्व इट केयरफुली This is problem number 27 of your book. Thank you.